ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। झारखंड भाजपा में अंदरूनी कलह हुई तेज। दुमका के बाद देवघर में समीक्षा बैठक के दौरान हंगामा और मारपीट। शिवराज और हिमंता के सामने है बड़ी चुनौती। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जयराम महतो ने ठोकी ताल। 55 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी, अकेले लड़ेंगे चुनाव, कहा स्वर्ण उम्मीदवारों को भी मिलेगा मौका। पाकुड़ के सीमावर्ती गांव पर पश्चिम बंगाल के ग्रामीणों ने की बमबाजी और फायरिंग। उपद्रवियों ने एक मकान को फूंका और किया पथराव, हालात संभालने में जुटी पुलिस। जामताड़ा में माध्यमिक परीक्षा में 39 स्कूलों का खराब प्रदर्शन। शिक्षा विभाग ने की स्कूलों के प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई, अगले आदेश तक सबके वेतन पर लगाई रोक। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी की दबंगई। ग्रामीणों पर किया लाठी चार्ज और फायरिंग। गुस्साए लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया रोड जाम। रांची में नशे के कारोबार पर नकेल। पुलिस ने जब्त किया 1 करोड़ से अधिक का डोडा। ट्रक छोड़कर फरार हुए तस्कर। खूंटी से राजस्थान भेजी जा रही थी अफीम। बोकारो में हत्या और आत्महत्या का मामला। सीआईएसएफ के जवान ने की पत्नी की हत्या। बीवी का कत्ल करने के बाद खुद भी कर ली आत्महत्या। चाईबासा पुलिस लाइन सम्मान समारोह में बोले झारखंड डीजीपी, हथियार छोड़ मुख्य धारा में लौटे नक्सली, वरना जारी रहेगा सफाया। डीजीपी ने गोवा मुठभेड़ में शामिल जवानों को किया सम्मानित। लोहरदगा रांची के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की अपील, हाथियों से दूर रहे लोग। धनबाद रेलवे स्टेशन में कैरेज एवं वैगन के दफ्तर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।